सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता को देखकर कार्य को मत करो बल्कि कार्य को केवल मन से करो। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोजते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ताजी हवा में फूलों की महक हो, पहली किरण में चिड़ियों की चहक हो। जब भी खोलो आप अपनी पलकें, उन पलकों में बस खुशियों की झलक हो। आज का पंचांग 12 जुलाई 2020 दिन रविवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 3:48 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 8:18 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:25 से 7:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। धनुराशि 12 जुलाई 2020 देर रविवार, आज आप सामान्य से अधिक भावनात्मक हैं, दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर कार्य का दबाव रहेगा जिससे थकान का अनुभव करेंगे। कुछ कार्य सहकर्मियों को दे दें या कल के लिए बचा कर रखें। काम थोड़ा भले ही करें लेकिन गुणवत्ता बनाए रखें। आज किसी खास व्यक्ति के साथ स्वादिष्ट भोजन का लुफ्त उठा सकते हैं। घर के बुजुर्ग की सलाह पर अवश्य ध्यान दें, आपके लिए कारगर साबित होगी। भाग्य के सितारा प्रबल होकर रुके हुए कार्यों को गति प्रदान कर रहा है, अतः समय का सम्मान करें। खासकर महिला वर्ग में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। आप कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, एक नया कौशल सीखने का एक अच्छा समय है। किसी क्रिएटिव कोर्स पर विचार करें क्योंकि यह आपको पुरस्कार दिलाएगा। आप में भावुकता की अधिकता रहेगी जिस कारण मूड स्विंग होंगे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, नहीं तो ऐसी मन स्थिति में लिए हुए निर्णय गलत हो सकते हैं। यदि कोई व्यवसाय आरंभ करने जा रही है तो उससे संबंधित दस्तावेज अच्छे से जांच करें। अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा ना करें। सावधानियां, कोई नया निवेश करते समय पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल अवश्य कर लें। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, आजकल किसी प्रकार के आर्थिक विषमता में भी फंस सकते हैं, इसलिए अपनी भावुकता पर कंट्रोल रखें। लव लाइफ की बात करें तो आज आप बिल्कुल नए और ताजगी भरे रोमांटिक माहौल का आनंद लेंगे। आपके लिए करीबी संबंधियों से मिलने वाला प्यार आज दिन की खासियत रहेगा। आप खास तौर पर मस्ती महसूस करेंगी। इस खूबसूरत समय को अपने प्यार के साथ बिताएं और कुछ खूबसूरत यादें बननी दें। आज आप अपने पार्टनर के लिए कुछ खास कर सकते हैं और उसकी खूब प्रशंसा होगी। अकेले आदमी आज किसी खास से मिल सकते हैं। करियर की बात करें तो इस बात के काफी मजबूती से संकेत मिल रहे हैं कि आपको अपनी नौकरी की वजह से कहीं जाना पड़ सकता है। आपका कार्य स्थान का परिवर्तन ऐसी जगह हो सकता है जिससे आप अनजान हो सकते हैं। आपको इस अवसर का लाभ उठाना है ताकि ये मौका कहीं हाथ से निकल न जाए। इससे आपके करियर को नई गति मिलेगी। अगर आप विदेश में कार्यरत हैं तो अपनी मातृभूमि में वापस कार्य करना इतना लाभप्रद नहीं होगा। सेहत की बात करें तो दूसरों के बारे में सोच कर खुद को तनाव ना दें, क्योंकि जब तक आप यह सब करते रहेंगे पूरी तरह व्यर्थ की सोच विचार और चिंता से उभर नहीं पाएंगे। अगर दवाइयों से अधिक फायदा नहीं हो पा रहा है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही ठीक रहेगा। योग और ध्यान से बहुत आराम मिलेगा। आज का उपाय, आज आप सूर्य भगवान जी को जल अर्पित करें।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।